राजू मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सुरु, जानवरों जैसा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन मैं क्या करूं, जब भी कोई मेरी मां के बारे में ऐसी वैसी बात करता है तो मैं अपने आप से बाहर हो जाता हूं। सुरु, जो भी तुम्हें भला बुरा कहना मुझसे कह लो, लेकिन मेरी मां के बारे में कभी कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। ये क्या हो गया? तुम पर हाथ उठाने की सजा दी है। मुझे माफ कर दो राजू, मैं नहीं जानती थी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तो पहले से ही टूटी हुई थी, अब कमर भी टूट जाएगी। लो जी तुम्हारा माल तो लद गया, अब मेरे पैसे निकालो। तो राम जी, ये 2 लाख जी की दौलत राम, 2 लाख रुपया, 2 लाख। तो राम जी 2 लाख रुपया हिसाब में लिख दो। अरे वही खाते में लिख दे कि गोदाम में आग लग जाने से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। लेकिन तोताराम जी, तू बोलेगा कि पिछले महीने खेत में आग लग गई थी, उससे पिछले महीने पानी के कुओं में आग लग जाने से सारे पंप चल गए थे, मगर इस महीने में भी आग। रामलाल बाहर को ठीक से पानी चाहिए। पांडू, मेरा पति दिन रात खट्टा है और तुम लोगों को जरा भी फिक्र नहीं, कितना नुकसान हो गया है नालायक कहीं का। सुरु, ये क्या कर रही हो तुम? पांडू हमारा पुराना नौकर है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो? तो पूछो अपने पुराने नौकर से कि खेत में गोदाम में कुएं में आग कैसे लग गई। आग लग गई? अरे पिछले 2 सालों में खेत गोदाम तो दूर, पूरे गांव में कहीं आग नहीं लगी। सुरु, ये मैं नहीं कह रही, ये बही खाता कह रहा है। इसमें लिखा है कि आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ? ये बही खाता कौन लिखता है? मुनीम जी। अरे मुनीम जी, ये हफ्ता मेरा कैसा निकलने वाला है जरा पढ़कर सुनाइए। आपके राहु की अमंगल दशा अब शुरू होने ही वाली है। मुनीम जी। जी जी मालिक। इस बही खाते में क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। जीव अनाज गोदाम। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, जो लिखा उसे ठीक ठीक पढ़ते क्यों नहीं, पढ़िए जल्दी। जीव अनाज के गोदाम में आग लगने से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अरे लगता है तेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है, यहाँ तो लिखा है कि बिक्री से 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है और तू नुकसान करवा रहा है, नमक हराम कहीं का। मामा जी, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुनीम जी साफ साफ बताइए, क्या गोदाम में आग लगी थी? जी वो मैं तो, मुझे तो। तुम ऐसे नहीं बताओगे? पांडू, मेरा चाबुक कहाँ है? आज के इस मामले में चाबुक का कोई काम नहीं, ये देखो बंदूक, इसमें असली गोलियां भरी हुई है, गोली अंदर सच बाहर, मार दो। अब बोलिए मुनीम जी, सच क्या है? आपने झूठा बही खाता लिख लिख कर कितने रुपए का गबन किया है? मालिक मैंने कोई गबन नहीं किया, ये सब तोता राम जी ने किया है। मामा जी, मामा जी, मुझे जोड़ दो। भागने की कोशिश मत करना मामा जी, वरना पागल कुत्ते की तरह गोली मार दूंगा। मैं तेरा इकलौता मामा हूँ, मुझे मत मार। नाटक बंद करो मामा जी, और ये बताओ कि चुराए रुपए तुमने कहाँ रखे हैं? ये सब क्या हो रहा है? अरे बहना मुझे बचा लो बहना, मेरी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। माँ, तुम्हारा भाई समझ कर सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी में रहने दी, और इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया और लाखों रुपए का घोटाला किया। मैं सुबह का भूला शाम को वापस खड़ा गया हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भैया जाने दे बेटा, जो हो गया सो हो गया, इसे माफ कर दे। माफ कर दे? ठीक है माँ, तुम कहती तो मैं माफ कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप, इन्होंने अगर सिर्फ आपको धोखा दिया होता तो बात अलग थी, लेकिन आपकी देवी जैसी माँ को धोखा दिया है, इन्हें कैसे माफ किया जा सकता है? बिल्कुल सही माँ, तुम बिल्कुल भोली हो, इसलिए सभी तुम्हें धोखा देते हैं, इस जैसे आदमी को तो माफ करना ही नहीं चाहिए। सच सच बताइए मामा जी, 94 रुपए तुमने कहाँ रखे? नहीं तो मैं गोली मत चलाना। साफ 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 साफ
अरे मेरे कमरे में सांप आ गया, सांप आ गया। लेने दूंगा मैं, गट्टा नहीं दूंगा, अंदर सांप घुसा हुआ है। ये क्या शोर मचा हुआ है? इस बिस्तर में सांप घुसा है बेटा। अरे ये तो बड़बड़ा रहा है, पागल है, रस्सी को भी सांप समझता है। अगर इस बिस्तर से सांप नहीं निकला ना तो बेशक आज ही मुझे पागल खाने भेज देना। अरे इस पागल को बड़बड़ाने दे, तू मेरी बात सुन। पांडु तू बिस्तर बाहर ले आ। अरे राजू बेटा मैं मानता हूँ मेरे बिस्तर में सांप है, लेकिन वो मेरा पालतू सांप है, मेरा प्यारा प्यारा पालतू सांप, जिसे मैंने 15 साल से बिस्तर में पाल के रखा है मेरे बच्चे की तरह। बिस्तर से उठिए, उठिए। क्या मेरी बात का भरोसा नहीं? तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे नाग देवता का अपमान किया है। अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने नाग देवता को साथ लेकर इस दुनिया से दूर, बहुत दूर। चल बैनावती, जहाँ नहीं चहना वहाँ नहीं रहना। ठहरो मामा जी, ठहरो। पांडु इधर आओ और ये बिस्तर ले लो। अरे मैं बिस्तर नहीं लूंगा, जो कर लो, नहीं खोले दूंगा, नहीं खोले दूंगा, जो मर्जी छोड़ दे इसे, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। अरे मेरा साहब, अरे मेरा साहब, बंदूक दिखा के डराता है। आप इतनी नीच हरकत कर सकते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको तो जिंदा भट्टी में भी झोंका जाए तो भी बुरा नहीं होगा। और सुन मामे, आज से तुम मालिक नहीं बल्कि नौकर हो, और जो हमारे खेतों में 30-40 आदमी काम करते हैं उनमें से एक हो, यही तुम्हारी सजा है। मैं खेतों में काम नहीं करूंगा। चुप। मैं खेतों में काम करूंगा, मगर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। क्या? ये जो मेरी बीवी है ना, ये भी उस चोरी में बराबर की हिस्सेदार थी। मैं चाहता हूँ ये भी खेतों में काम करे। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। समाजपति पर हाथ उठाती है। सारे पैसे मैंने इस बक्से में रख दिए, इसे माजी को दे दीजिए। ठहरिए, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको भी कुछ अकल वकल है कि नहीं? ये पैसा माँ जी को देकर आप उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, पता है? खतरे में? वो कैसे? आप भी कितने भोले हैं। अरे माँ जी की आदत है बक्सा सिरहाने रखकर सोने की। अगर किसी रात मामा जी की नियत खराब हो गई और वो पत्थर से माँ जी का सर फोड़कर पैसा लेकर गायब हो गए तो? तुम ठीक कहती हो पिताजी, ये बक्सा आप शुरू को ही दे दीजिए। मुझे? अरे तुम्हें नहीं तो और किसे? नहीं नहीं, इसे रखो, ये जोखिम का काम है, इसे तुम ही संभालो। अच्छा, जैसा आप लोग ठीक समझे। आप लोग कहते हैं तो ये खतरा भी मैं उठा लेती हूँ। वैसे माँ जी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना माँ जी? मुबारक हो, चाल की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा खेलती हो। आप ही से सीखा है सासू जी। लेकिन इतना याद रखना कि मैं इस खेल की पुरानी माहिर हूं। आज तक मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सका। अभी तक आप कच्चे खिलाड़ी के साथ खेल रहे थे सासू जी, मेरे जैसे पेशेवर खिलाड़ी के साथ आज तक आपका पाला नहीं पड़ा था। आप अपने मोहरों की फिक्र कीजिए सासू जी। तुझे अंदाजा नहीं है कि तू कितना खतरनाक खेल खेल रही है। अरे खतरा ना हो तो खेल खेलने का मजा क्या है सासू जी? और फिर आप जैसे खिलाड़ी के साथ खेल खेलने का मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। बहुत शौक है खेलने का। तो ठीक है, कल 12 बजने से पहले ये सारा रुपया तुम खुद अपने हाथों से लाकर मुझे दोगी। ये मेरी चुनौती है। देवी जी आपका टेलीग्राम। किसका तार है बहू? रमेश को कॉलेज से निकाल दिया गया। क्या? फिर वो डॉक्टर क्या कर रही हो बहू? घर छोड़ के मत जाओ। नहीं बहू, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। हरगिज नहीं, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहने वाली। मेरा बाप कोई राजन सा भिखारी नहीं। मैं उनके सामने जाके खड़ी हो जाऊँ तो मेरे पति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहू, ये इस घर की इज्जत का सवाल है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। माँ ये सब क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ, मेरे पति ने डॉक्टरी पढ़ी है और वो शहर में एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। उसके लिए मैंने तुम्हारी माँ से 6 लाख रुपए मांगे और जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? कहती है ये राजू की जायदाद है और उसकी जायदाद का एक भी पैसा किसी ऐरे गहरे को नहीं दिया जा सकता। सारी जायदाद तो भैया के नाम पर है। इस खानदान के अकेले भैया ही वारिस है। मैं तो सौतेला हूँ ना। ये तू क्या कह रहा है मुन्ना? माँ ने तो बिना सोचे कुछ कह दिया होगा, लेकिन तू ऐसा क्यों कह रहा है? तुझे अस्पताल बनाना ना,
बता तुझे कितने रुपए चाहिए? 6 लाख रुपए। ठीक है सुरु जी, कल जो रुपए तुमको संभाल के रखने के लिए दिए थे वो जरा ले आना। जी भैया, मैं तुम्हारे सारे रुपए अस्पताल खुलते ही सूद समेत वापस लौटा दूंगा। क्या क्या कहा तूने? तू पागल हो गया जो तेरा मेरा कर रहा है? अरे मुन्ना, यहाँ जो कुछ भी हम सबका ही तो है। ये लीजिए, ये पैसे रमेश को दे दो। भैया, मैं ये रुपए माँ जी के शुभ हाथों से लेना चाहूंगा। हाँ ये तो और भी अच्छा है। सुरु, ये पैसे बक्सा माँ जी को दे दो। जी। भैया वक्त क्या हुआ है? 12 बजने में 2 सेकंड बाकी है। लाओ बहू। बजके बारा। सुनिए, एक बात कहूँ, शहर में अस्पताल खोलने की बजाय अगर अपने गांव में ही खैराती दवाखाना खोल दिया जाए माँ जी के नाम से, तो उनका सम्मान कितना बढ़ जाएगा ना। वाह क्या बात है, माँ जी के नाम से खैराती अस्पताल, अब तो बस ऐसे ही होगा। शांति शांति प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे गांव में एक खैराती अस्पताल की नींव रखी जा रही है। इस महान कार्य का उद्घाटन हमारी महान सासू जी के शुभ हाथों द्वारा होगा, जिनके पवित्र नाम पर इस अस्पताल का नाम रखा जाएगा। तालियां तालियां तालियां। लाइक। और ये दूसरा हार हमारे डॉक्टर साहब के लिए है, जिनके कर कमलों से आपका इलाज होगा, यानी कि हमारे प्यारे देवर जी, जो 5 साल तक शहर में आंखों में तेल डालकर पढ़ते रहे और तमाम डिग्रियां हासिल करने के बाद आपका दुख दूर करने आए। तालियां तालियां तालियां। अभी जी ये हार बार मुझे, ये तो पहला हार है देवर जी, अभी तो बहुत हार बाकी हैं। क्या मतलब? मतलब इन्हीं हारों में तो आपकी जीत है देवर जी। ए भतेरो, अनावती देख रही है उसको कैसे फूलों के हार पहना रही है। परसों जब मैं देवी के मंदिर में गया था तो बकरों को बलि पर चढ़ाने से पहले ऐसे ही फूलों के हार पहनाए जा रहे थे। मुझको तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं इसको भी तो नहीं कहे। अरे इंस्पेक्टर साहब, देखा माँ के नाम का कितना प्रताप है, अभी अस्पताल की नींव भी पड़ी और इंस्पेक्टर साहब चले हैं इलाज करवाने। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए मुंह मीठा कीजिए, आप ही लीजिए हवलदार साहब। मैं मुंह मीठा करने नहीं आया हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ और काम से आया हूँ। किस काम से इंस्पेक्टर साहब? कुछ खास नहीं, बस आपके भाई की मेडिकल की डिग्रियां देखना चाहता हूँ। मेडिकल की डिग्रियां देखना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप या तो मेरे भाई का मजाक उड़ा रहे हैं या उसका अपमान कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप अपने भाई से कहिए वो अपनी डिग्रियां दिखा दे, मैं इत्मीनान कर लूंगा और चला जाऊंगा। आप मेरे भाई पर शक कर रहे हैं? मेरे भाई पर? देखिए मैं, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, आप देवर जी से कहिए ना कि इन्हें अपनी डिग्रियां दिखा दे और चलता कर दें। तुम ठीक कहती हो सुरु, रमेश दिखा दे अपनी डिग्रियां। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट प्लीज। इंस्पेक्टर साहब बात बढ़े नहीं, आप चाहे तो कुछ रुपए पैसे लेकर मुझे तुमने ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कॉलर छोड़िए मेरे भाई का, मेरा भाई को चोर उचक्का क्या आप उसके साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं? आपका भाई इसी बर्ताव के लायक है, क्योंकि ये धोखेबाज और झूठा है, मुझे घूस देने की कोशिश कर रहा था। आपके भाई के पास ना कोई डिग्री विग्री है और ना ही आपका भाई डॉक्टर है। यह कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? बक्से भरकर डिग्रियां शहर से लाया था मेरा भाई। वो डिग्रियां नहीं, रद्दी कागज होंगे जो 2 रुपए किलो शहर में मिलते हैं। इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे भाई ने, मेरी मां का सपना तोड़ दिया उसने। नकली डॉक्टर बनने के जुर्म में मैं इसे गिरफ्तार करता हूं। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, मेरी मां किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं आपके पांव पड़ता हूं इंस्पेक्टर साहब, मेरी मां के सम्मान के लिए इसे बख्श दीजिए, इसे बख्श दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आज तो इसे मैं चेतावनी देकर छोड़ देता हूं, लेकिन दोबारा अगर इसने ऐसी गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नालायक धोखेबाज, तूने
उसने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, सारा गांव उस पर फूंक रहा है, उसकी हंसी उड़ा रहा है। तू सारी जिंदगी उसको धोखा देता रहा कि तूने गलती की है। राजू राजू इसे जल्दी दीजिए माँ जी, बेचारे देवर जी को उनका ही हाथ भारी पड़ रहा है। अगर आप भी पीटना शुरू कर देंगी तो बेचारे झेल नहीं पाएंगे। मैं कहती हूँ छोड़ मेरा हाथ। नहीं माँ जी, गुस्सा थूक दीजिए, जाने दीजिए उसे। छोड़, ये ले रख। आज से तू मुझे इस घर में नहीं खेतों में मजदूरों की तरह काम करता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब जा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जा चल। राजू बेटा, इन पैसों का क्या करूं जो तुमने रमेश को दिए थे? इन्हें शुरू को दे दीजिए। बहू, शतरंज के खेल में बड़ा मजा आ रहा है ना। सामने वालों के मोरे पे मोरे पिट रहे हैं। हाँ बाबूजी, कल तो सिर्फ प्यादा ही पिटा था, आज वजीर भी पिट गया। बहना, और कितना काम कराओगी जीजा जी? सुबह से शाम हो गई, अरे जान ले लूंगी क्या। मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं अच्छी भली शहर में थी। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मेरे बाप की याद आ रही है। आना तैयार है, सब भुक्कड़ आ जाओ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये क्या किया बहू? हमारा खाना? ये खाना तुम्हारा नहीं है पांडू। अजी रे, तुम्हारा खाना ये है। दिन भर कुत्ते की तरह काम करके, ये रोटी, ये मिर्च, ये प्याज, नहीं हमें नहीं खाना ये खाना। ठीक है, बाहर में जाओ, मैं ये खाना टॉमी को खिलाती हूँ। टॉमी, यू यू, खाओ खाओ। ये लो, ये लो। आपसे तो ज्यादा ये कुत्ता खुशकिस्मत है, आपको तो रोटी अभी सीधा कल दोपहर को मिलेगी। कल दोपहर को, यानी कि 24 घंटे के बाद। ऐसा करते हैं, कुत्ते ने छीन लेते हैं। अरे कुत्ते, राजा भी गया, वजीर भी गया, अब बस सिर्फ रानी बची। रानी हाथ में आ जाए बस तो शेर मात। पांडो, 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 कहां मर गया पांडो? छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। इतनी आसानी से हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे महारानी, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आई हो, बहुत कस के पकड़ने से। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैंने बराबर आटी में लिया हुआ है। छोड़ दे मुझे। सुनो, ये तुम लोगों ने मेरी माँ को क्यों पकड़ रखा है? बेटा ये, अरे खून, माँ ये खून कैसे निकला? मुझे कुछ माँ जी आवाज़ बेटा, ये ऐसी हालत में ज्यादा बोलना ठीक नहीं, मैं बताती हूँ इन्हें। माँ जी सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गई। हाई ब्लड प्रेशर में अक्सर ऐसे ही होता है। हाई ब्लड प्रेशर? हाँ हाँ बेटा, हाई ब्लड प्रेशर, और ये उनको अक्सर होता है जिनको चर्बी ज्यादा चढ़ जाती है। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, मेरी सहेली की माँ को भी यही बीमारी हुई थी, लापरवाही की वजह से उसे खून की 100 उल्टियाँ हुई। बेचारी ऐसी तड़प तड़प कर मरी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसी मौत न दे। शुभ शुभ बोल शुरू, ये ठीक कह रही है माँ, तेरी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। ले जा माँ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ।